मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो अगेन वो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ जो आपको क्या बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि वो क्या खाएं, हेल्दी स्किन के लिए क्या खाया जाए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो खाए उनके स्किन हेल्दी हो जाए, हेयर हेल्दी हो जाए। तो मैं आज इतना अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ जिसको आपको बहुत मज़ा आएगा और क्यों हमें खाना चाहिए ये और इन सब के बारे में बताऊँगा, इसके साइड इफेक्ट अच्छे इफेक्ट बुरे इफेक्ट सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं लेके आया हूँ ये कोलेजन प्रोटीन पाउडर। ओके, तो सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, इसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 कोलेजन है, अलॉन्ग विद इसमें वे प्रोटीन है। क्यों ज़रूरत होती है हमको कोलेजन की, क्यों ज़रूरत होती है हमको प्रोटीन की? जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी बॉडी पूरी सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्रोटीन होता है, सब कुछ प्रोटीन से बनता है। हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती है कि हमारी डेली प्रोटीन की नीड पूरी हो पाए। ठीक है, अभी आप जिम जाने वाले लोग तो प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं उनकी प्रोटीन से डाइट पूरी हो जाती है, बट वॉट अबाउट कोलेजन? हमारी स्किन में इलास्टिन एंड कोलेजन दो टाइप के फाइबर होते हैं, ठीक है, और कोलेजन भी कई टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 3 होता है। तो टाइप 1 होता है स्किन के लिए, टाइप 3 होता है हमारे जॉइंट्स एंड कार्टिलेज के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है यूवी रेज़ के डैमेज में, पॉल्यूशन के डैमेज से हमारे कोलेजन और इलास्टिन टूटता है, ब्रेक होता है, तो हमारी स्किन झुर्रियाँ आने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है। तो ऐसी कोई डाइट, ऐसी कोई चीज़ हो जो सिर्फ आपको एक चम्मच दिन में पीना हो, चाहे दूध से या पानी से किसी भी चीज़ से पिए, और वो आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखे, आपके बालों की ग्रोथ को हेल्दी बना के रखे, आपके नेल्स की ग्रोथ को हेल्दी बना के रखे और आपकी बॉडी को भी हेल्दी बना के रखे, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्लस प्रोटीन पाउडर है जो आपके हेल्दी नेल्स हेयर एंड स्किन को रखेगा। इसके अंदर मल्टी विटामिन है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, सब कुछ है। आपको अलग से कोई चीज़ कोई कुछ नहीं खाना है स्किन को हेल्दी और ग्लो रखने के लिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो आप खाते हो आपके चेहरे पे दिखता है। अभी मेरे से पता, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, डॉक्टर आप तो महंगी चीज़ें बताते हो, आर्टिफिशियल चीज़ें बताते हो, हम ये खाएंगे तो इससे चलो हमें नेचुरल डाइट हमारी अच्छी होती है, हम तो नेचुरल खाएंगे, नेचुरल गोरे हो जाएंगे, नेचुरल हम हेल्दी बना लेंगे अपनी बॉडी को, नेचुरल सब कुछ करेंगे। तो उन लोगों के लिए एक जवाब है सिंपल सा, ऐसे बहुत सारे मैसेज आपको दिखेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में, ऐसे दिखेंगे कि नेचुरल चीज़ें फॉलो करना चाहिए, नेचुरल करना चाहिए। तो मेरे भाई, एक बात मैं बता दूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमको नेचुरल चीज़ें फॉलो करना चाहिए, हमें नेचुरल खाना चाहिए, हमें सब कुछ नेचुरल करना चाहिए, हमें आर्टिफिशियल चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। मगर गुरु, क्या आप नेचुरल हवा में जी रहे हो? क्या आप नेचुरल वेजिटेबल खा रहे हो जो नेचुरली ग्रोन है? लोग बोलते हैं हम चिकन खाते हैं, हम तो मटन खाते हैं, हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम तो अंडा खाते हैं, हम तो सब कुछ खाते हैं, हमारी प्रोटीन डाइट उससे पूरी हो जाती है। प्रभु, एक बात बताइए, क्या वो अंडा जो आप खा रहे हो वो नेचुरली ग्रोन है या इंजेक्टेबल है? मुर्गी को आपके इंजेक्शन लगा लगा के ठोक ठोक के अंडा निकाला गया है, या वो जो बकरे का मीट आप खा रहे हो क्या वो नेचुरली ग्रोन बकरा है, या उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा लगा के मोटा किया गया है? सब कुछ आर्टिफिशियल है। ये बातें 100-200 साल पहले की अच्छी लगती थी कि जब नेचुरल खाओ नेचुरल उगाओ, क्योंकि नेचुरल उगता था, हर चीज़ नेचुरल थी, कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी, हवा भी नेचुरल थी। अभी पॉल्यूशन में जी रहे हो भाई, तो आपको आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी डाइट में, अकेला डाइट से काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि आप नेचुरल डाइट खा के, नेचुरली प्रोटीन खा के, अंडा खा के, मुर्गा खा के, बकरा खा के, दाल खा के, चावल खा के अपनी हेल्दी स्किन बना लोगे, अपने बालों को हेल्दी कर लोगे? नहीं पॉसिबल है, ये मैं आपको बता दूँ, पॉसिबल नहीं है, गए ज़माने वो। क्योंकि हम जिस एरा में जी रहे हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप नेचुरली अपनी स्किन को हेल्दी बना सकें। तो उसके लिए आपको आर्टिफिशियल चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेगी, सप्लीमेंट एड ऑन करने ही पड़ेंगे। आप सोचोगे कि मैं नेचुरल खा के स्किन को हेल्दी बना लूँ, तो बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हो। पहले जो आप खा रहे हो ना, वो देखो कि वो कितना नेचुरल है। वो सब चीज़ आर्टिफिशियल क्रिएटेड है, चाहे सब्जियां हो वो भी केमिकल्स द्वारा बनाई गई हुई हैं, लौकी में भी इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा किया जाता है, फ्रूट्स तक आजकल आर्टिफिशियल आ रहे हैं भाई, तो छोड़ दो। तो सब खाओ, मैं खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि घर में उगाना चालू कर दो। अभी कुछ कमेंट्स आना चालू होंगे कि हम क्या करें, तो भाई घर में नहीं उगाना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि घर में उगा, बट ठीक है, अभी उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं। बट एड ऑन सप्लीमेंट, ये जो सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगी, इसको अपनी डाइट में एड ऑन करो,
ऐड कर लो। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको अलग ही फर्क दिखेगा, आपको एक दो महीने के अंदर आपकी स्किन हेल्थी दिखने लगेगी, बिकॉज जो कमियां उसमें हैं वो कमियां पूरी करेगी। कोलेजन की कमी, आप फिश नहीं खाते होगे, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको बॉडी में बहुत कम है, तो आपको हेल्दी स्किन के लिए इसके अंदर सब कुछ है। एक डब्बा यार, 1 kg का डब्बा मेरे ख्याल से ये 3500 समथिंग, 3600 का 1 kg का बॉक्स है, जो अराउंड 1 month चलेगा। 1 month अगर एक स्कूप आप लेते हो तो इसमें 17 g प्रोटीन है, इसमें 17 g प्रोटीन है एक स्कूप में। आप जिम जाते हो या ना जाते हो, आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आप हर कोई इसको ले सकता है, चाहे आदमी औरत कोई भी ले सकता है। ऑल फॉर स्किन नेल एंड हेयर, ये आपके स्किन नेल हेयर को बहुत हेल्दी करेगा। इसके अंदर क्या क्या है, तो इसमें मल्टीवाइटमिन, आपकी जॉइंट को भी सपोर्ट करेगा यार। ये किसी भी एज में लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप यंग हो तो ही लोगे, आप ओल्ड हो तो भी ले सकते हो। ये नेचुरल आपकी बॉडी के जॉइंट्स को आपको हेल्दी करेगा। मल्टीवाइटमिन से, वाइटामिन की बहुत जरूरत होती है, हमारी बॉडी को वाइटामिन रिप्लेनिश करने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं उसमें वाइटामिन होते ही नहीं है, सब डिस्ट्रॉयड होता है। हमारा खाना बनाने का तरीका इतना गंदा होता है कि हम वैसे ही जो बच्चा खुचा जो इधर उधर से आया भी होता है ना वाइटामिन, उसको भी जला जुलू के गायब कर देते हैं। हम सिर्फ स्वाद, हम जीप के पीछे भागते हैं, हम स्वाद के पीछे भागते हैं, बस स्वाद चाहिए इंसान को, अंदर कुछ हो या ना हो। कचरा खाते हैं तो कचरा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, कचरा खाओ, उसमें थोड़ा ये भी डाल दोगे ना तो आपकी बॉडी को हेल्दी करेगा, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी, आपकी स्किन कहेगी वाह क्या मिला है। तो इसमें, और इसमें अच्छा प्रोबायोटिक्स भी है। प्रोबायोटिक्स आर एंजाइम्स जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके गुड बैक्टीरिया को हेल्दी एनवायरनमेंट देते ग्रो होने के लिए, क्योंकि डाइजेशन इंप्रूव करता है। डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा डाइजेस्ट होना, आप जो खाते हो वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। तो इसमें प्रोबायोटिक्स भी है, इसमें एंजाइम्स भी हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे। और इसमें कोलेजन पेप्टाइड है, बायोडीन है एंड ग्लूकोसामाइन है। तो कोलेजन है, कोलेजन आपकी स्किन को हेल्दी करेगा, हेल्दी प्लम्पी स्किन देगा, आपकी स्किन एकदम बुबली बुबली बुश होती है ना वो वाली टाइप की। वैसे कोलेजन के सप्लीमेंट कितने आते हैं, कोलेजन ड्रिंक्स आती हैं, तो आपको पीने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस डब्बे को खा लो यार। इसके अंदर आपको कोलेजन भी मिल रहा है, बायोटीन बालों के लिए मिल रहा है, इसमें ग्लूकोसामाइन है जो जॉइंट्स पर वर्क करेगा, और उसमें प्रोबायोटिक एंजाइम्स है। सबसे अच्छी बात है प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन वे प्रोटीन है जो आपकी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके स्किन के सेल्स भी प्रोटीन से बनते हैं, आपके हेयर भी प्रोटीन से बनता है, आपके आपके हर चीज़ बॉडी के अंदर प्रोटीन है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी रहेगी तो आपकी मसल मास भी गिर जाएगा, मतलब बॉडी को प्रोटीन चाहिए चाहिए। तो बहुत कुछ इसके अंदर यार, इसके अंदर मतलब फुल अमाइनो एसिड की प्रोफाइल लिखी हुई है। अब मैं एक एक नाम पढ़ने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट इसके अंदर पूरी चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा खाना ही नहीं है यार। आप जिम जाते हो या ना जाते हो, आप इसको एक स्कूप लेना चालू कर दो, विद इन 1 month आपको फर्क दिख जाएगा आपकी आपके हेल्थ में, आपके मसल मास में, आपके स्किन में, आपके हेयर में, आपको हर जगह इसमें फर्क दिखने लगेगा। बिकॉज जब अच्छा हेल्दी खाएंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी आपकी हेयर की, अच्छी ग्रोथ होगी, फास्ट ग्रोथ हो जाएगी, आपकी स्किन हेल्दी ग्रो होगी, शाइनिंग आएगा, कुछ खाना मिलेगा बेचारों को, तो ठीक है ना। तो इसको खाना चालू कर दो। जितने लोग भी मेरे से पूछते थे हम क्या खाएं इसकी हेल्दी स्किन के लिए, तो मेरे भाई, एक मेरा फ्रेंड था कबीर, मेरा बचपन का दोस्त था, और वो क्या करता था, मैं जो भी खाऊं ना वो मेरी नकल करता था। लाइक मैं अगर फुल्की खा रहा हूँ, पानी की फुल्की मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जाता था तो वो भी खाता था, उसको लगता था कि साले ये खा रहा है इसमें पक्का ऐसा कुछ होगा कि इससे हेल्दी स्किन होती होगी। मैं कुछ भी खाऊंगा, मैं मीठा भी खाऊंगा, चॉकलेट भी खाऊंगा, तो साले वो भी वही करता था कि उसको लगता था कि हेल्दी स्किन होगी। ऐसा नहीं होता है, ये नहीं चीज़ है, बट सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो खा रहे हो, आप कचरा खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आपको चाहिए, बॉडी को चाहिए बनाने के लिए, तो जो हमें डाइट से नहीं मिल पा रहा है आज की डेट में, ठीक है ना। आज की डेट में हम बॉडी को उतना अच्छा नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये फॉलो करना है, कोलेजन प्लस प्रोटीन। सबसे अच्छी बात है कि अकेला कोलेजन नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन पाउडर भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर ग्लूकोसामाइन है जो जॉइंट्स को, ये ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को आपका हेल्प करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपको वैसे भी जो कमजोरी फील होती है ना, बहुत से लोगों की कमजोरी फील होती है यार, खाना नहीं, डाइट प्रॉपर नहीं जा पा रही, तो सिर्फ इसको पी लो यार, एक चम्मच ही तो पीना है, अपनी बॉडी के लिए इतना नहीं कर सकते। 3500 का भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 1 kg का डब्बा है, 3500 का सिंपल सा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 3500 बहुत ज़्यादा बोल दिया है। भैया ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने हेल्दी स्किन को रखना चाहते हैं, और जो अपनी अपने अपने लिए अपनी बॉडी के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं इसको लेने की। अच्छा घर में ही सब्जियां उगाओ, हेल्दी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाओ, और उसको उन सब्जियों को ऑर्गेनिकली खाओ, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो तो प्लीज़, अगर आपको हेल्दी रहना है तो ये ज़रूर लेना पड़ेगा। हेल्दी स्किन, हेल्दी नेल्स, हेल्दी हेयर के लिए ज़रूरी है अच्छा खाना, अच्छी रियल चीज़ें खाना।
मेरा वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन में दबा के इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक और अच्छा वीडियो आपके लिए बहुत सारे लेके आने वाला हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर अरविंद गुप्ता, तो मुझे फॉलो भी कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा।